ओम नमः शिवाय। लाइव सरल सामग्री में आपका स्वागत है। ये एक गलती सभी साधक साध्वी जरूर करते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि यदि आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं या किसी कार्य किसी वशीकरण को करने के लिए आप मंत्र बोलते हैं तो आपको एक पानी का गिलास जरूर रखना होता है साथ में, क्योंकि जो बिना सामग्री के कोई विधि भी करते हैं कोई उपाय करते हैं तो उसके लिए एक पानी का गिलास अपने पास रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जो कि कोई भी इस कार्य को नहीं करता। अभी दिवाली के बाद मुझे बहुत सी साध्वियों ने मैसेज में बोला कि गुरुजी हमने इस मंत्र को ऐसे ऐसे किया है मगर हमारा थोड़ा सा काम हुआ है मगर पूरा नहीं हुआ। और मैंने जब उनसे पूछा कि आपने उस मंत्र का उच्चारण और उस विधि को कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी हमने ऐसे ऐसे किया। तो सर्वप्रथम जो कार्य किया जाता है वही आपने नहीं किया तो आपका कार्य कैसे संपूर्ण होगा। आप जब भी मंत्र सिद्ध करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं किसी भी विधि के लिए, तो सबसे पहले एक अपने पास पानी का गिलास जरूर रखें, क्योंकि ये मंत्र भी एक सामग्री है। यदि आप उस मंत्र का जब जाप कर रहे हैं तो जिसके लिए आप कर रहे हैं किसी भी चीज को ठीक करने के लिए जो हमारे द्वारा सामग्री बताई जाती है, आपको बताया जाता है कि उस सामग्री को आपने वहां पर विसर्जित करना है, वैसे ही आपने जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने पास एक पानी के गिलास को रखते हैं, जो मंत्र है उस मंत्र को पूर्ण कर लेते हैं, उस मंत्र का जाप पूर्ण कर लेते हैं। तो आपने उस पानी के गिलास में 3 बार आपने फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपने उस पानी को पी लेना है जो कि आपने मंत्र सिद्ध किया है या उसका जाप किया है या किसी विधि के लिए आपने उस मंत्र का जाप किया है। तो उस पानी के गिलास को पीने के बाद यदि जब आप आगे की विधि करते हैं तो आपका जो भी कार्य होगा वो अवश्य ही पूर्ण होगा। इस छोटी सी गलती के कारण आपके कार्य संपूर्ण नहीं हो पाते। मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है कि आप इस विधि को जरूर करें और सर्वप्रथम आप मंत्र के समय इसको जरूर रखें, पानी के गिलास को अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और मैं सभी साधक साध्वियों को बताना चाहूंगा कि हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सभी साधक साध्वी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।